नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। इंसान के शव को कब्र से निकालने की बात तो आपने बहुत सुनी और देखी होंगी, साथ ही विरोध में लोगों को हंगामा करते भी देखा और सुना होगा। लेकिन रीवा में शायद यह पहला मामला होगा जब एक कुत्ते की मौत पर इतना हो हल्ला मचा हुआ है और कब्र से निकालकर अब उसका पीएम किया जाएगा। इसके असली वजह वेटरनरी कॉलेज के डॉक्टरों की लापरवाही उजागर करना है, जिससे वह आगे इस तरह की गलती करने से पहले लाख बार सोचे। दरअसल रीवा के कुठलिया स्थित वेटरनरी कॉलेज के अस्पताल में शुक्रवार को शहर के प्रतिष्ठित अधिवक्ता के सिंह के परिजन अपने डॉग की नसबंदी करवाने के लिए गए थे, जहां ऑपरेशन के दौरान चिकित्सकों द्वारा की गई लापरवाही से उसकी मौत हो गई। परिजनों के विरोध करने के बाद भी वेटरनरी के डॉक्टरों ने उनकी एक न सुनी और मनमानी करते हुए पीएम करने के बजाय कुत्ते का शव देकर परिजनों को चलता कर दिया, जिसके बाद कुछ देर के लिए परिजन भी मान गए और कुत्ते का शव लेकर अपने फार्म हाउस चले गए, जहां पर विधि विधान से अंतिम संस्कार कर कुत्ते के शव को दफन कर दिया गया। लेकिन घर में लोगों का रो रो कर बुरा हाल था। ऐसे में परिजन पुलिस के पास सहायता के लिए पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस के पास जैसे ही यह मामला पहुंचा वह हरकत में आ गई। पुलिस ने सबसे पहले प्राथमिकी दर्ज करते हुए एक जांच अधिकारी नियुक्त किया। इसके बाद शनिवार की शाम पुलिस की टीम फरियादी अधिवक्ता के सिंह के फार्म हाउस में पहुंचकर कुत्ते के शव को निकलवाया और उसका पंचनामा किया। पुलिस ने वेटनरी कॉलेज के चिकित्सकों से बात करते हुए और कुत्ते का शव रखने और पीएम की बात की। जानकारी के अनुसार पुलिस ने अपनी निगरानी में कुत्ते के शव को कब्र से निकालने और पंचनामा करने के बाद वेटनरी कॉलेज लेकर पहुंची, जहां पर पुलिस ने शव को सुरक्षित डीप फ्रीजर में रखवा दिया। वहीं कुत्ते के मौत के मामले की असली वजह क्या रही, इसकी जानकारी पीएम से होगी। तभी तो पुलिस ने न्यायपूर्ण रवैया अपनाते हुए कब्र से कुत्ते के शव को निकलवा कर पीएम के लिए फ्रिजर में रखवा दिया है। आज रविवार को सुबह 11 बजे कुत्ते का पीएम करवाया जाएगा। जानकारी मिल रही है कि डॉक्टरों की विशेष टीम कुत्ते का पीएम करेगी, जिसके बाद पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर आरोप की बात करें तो परिजनों का कहना है कि चिकित्सकों की लापरवाही की वजह से कुत्ते की जान गई है। वहीं चिकित्सकों का कहना है कि हीमोग्लोबिन की कमी से उसकी मौत हुई है। हुआ चाहे जो भी हो, लेकिन पीएम से मौत की असली वजह का पता चल जाएगा। अगर डॉक्टरों की लापरवाही से एक जीव की जान गई है तो इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे जीव के प्राणों के रक्षक कहे जाने वाले डॉक्टर आगे इस तरह से किसी के साथ लापरवाही न करें। यह कार्रवाई डॉक्टरों के लिए सबक होगा। कल की घटना है। मेरा कुत्ता पामेरियन ब्रीडर कुत्ता था, करीब 4 साल उसकी एज थी, स्वस्थ था, क्योंकि हर 6 महीने में बच्चा दे देती थी, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि उसका नसबंदी करा देते हैं। उसके एक दिन पहले, दो दिन पहले ब्लड टेस्ट हुआ। ब्लड टेस्ट में सब कुछ नॉर्मल हुआ। इन्होंने कहा कि साहब आप दवाइयों की लिस्ट दे रहे हैं कि दवाइयाँ आप बाजार से जाके ले आइए। 3,500 रुपये की मैंने दवाई खरीदी, यहाँ तक कि दस्ताने भी इनके पास में नहीं थे, रुई भी इनके पास में नहीं थी, कुछ नहीं था। पूरा सामान मैं बाजार से लेके गया। 12 बजे अंदर, 11:30-12 बजे मेरी बिटिया भी थी, अंदर लेके गए हैं और इन्होंने उसको बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया, जो कि ज़्यादा मात्रा में दे दिया गया। इन्होंने भी नहीं दिया, इनके जो स्टूडेंट थे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो पढ़ रहे थे, उन्होंने दिया इंजेक्शन। और उसके तुरंत बाद जो है ये बाहर लाए, मेरी बेटी ने देखा इसकी सांस नहीं चल रही है, तो उन्होंने बताया कि भैया इसकी तो सांस नहीं चल रही है। फिर उसको दोबारा लेके गए और फिर बोले कि सॉरी, हम वो हो गया, वो तो बचा नहीं, हम लोगों ने बहुत प्रयास किया। तब हम लोग सब लोग पहुंचे और उनसे कहा कि ठीक है भाई, आप डेथ सर्टिफिकेट दे दीजिए, पोस्टमार्टम कर दीजिए। बोले ठीक है साहब, स्पेशलिस्ट की टीम आ रही है 3 लोगों की, वो पोस्टमार्टम करें। 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, हम लोग वहाँ पे पोस्टमार्टम के लिए चिल्लाते रहे, डेथ सर्टिफिकेट के लिए चिल्लाते रहे, इन लोगों ने डेथ सर्टिफिकेट नहीं दिया। एक अंत में एक कागज हमको थमाया और बोले ये भाई हम आपको सिर्फ ये दे सकते हैं, आपको जो करना हो कर लीजिए। हमने बताया कि हम आपके खिलाफ कानून कार्रवाई करेंगे, तो बोले ठीक है आप कर लीजिए, आपको जो आपको करना हो, हम इसके अलावा आपको कुछ नहीं दे सकते। उसके बाद हम लोग शोकाकुल थे। हमने उसको दफना दिया, घर के बच्चे जैसा था, हमारे साथ सोता था, खाता था,
और उसके बाद दफना दिया। सवेरे जब हमारे परिवार वाले, हमारे दोस्त वालों ने कहा कि ये तो बहुत लापरवाही की, तो प्रकाष्ठा है, तब इसकी पूरी ऐसी कंप्लेंट पुलिस में करनी चाहिए। तो हम लोग फिर सवेरे करीब 11:30 बिछिया थाना में गए और अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई और पूरे डॉक्यूमेंट्स दिए, उसकी ब्लड रिपोर्ट वगैरह सब कुछ उनको दिखाया कि सर ये है और इनके खिलाफ मामला, दोषियों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया जाए। पुलिस आई थी बिछिया थाना, और उसके बाद फिर उसके बाद बिछिया थाना से पुलिस का फोन आया कि साहब उसको पोस्टमार्टम कराना जरूरी है, तो उसकी बॉडी को आप निकलवाइए। तो मैंने कहा ठीक है आ जाइए। तो बिछिया पुलिस आ गई, हमारे आदमी आ गए, सबके सामने उसकी बॉडी को कब्र से बाहर निकाला गया और उसको पुलिस वाले पोस्टमार्टम के लिए अपनी कस्टडी में लिया उन्होंने, और अभी अभी वो पोस्टमार्टम के लिए बिछिया अस्पताल लेके गए। हमारी दरखास्त ये थी बिछिया पुलिस से कि वो कल्पित लोग जो हैं, जिन्होंने जिन्होंने मारा है इसको, वो लोग पोस्टमार्टम का हिस्सा ना रहे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम बिछिया पुलिस ने कहा कि हम आपका पोस्टमार्टम जो है वो बिछिया जो हॉस्पिटल है उससे कराएंगे। एक शिकायतकर्ता आए थे जिनका कहना है कि उन्होंने वेटरनरी हॉस्पिटल में एक उनके पालतू कुत्ते का इलाज कराया था और उनका कहना है कि डॉक्टरों की लापरवाही से उसकी कुत्ते की मौत हो गई, जिसके बाद फिर उन्होंने आवेदन दिया, आवेदन की जांच की जा रही है और पीएम वगैरह कराया जाएगा जो कुत्ते जो पालतू कुत्ता है, और उसके आधार पर जैसे पाया गया उस आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाँ जी, जो बिल्कुल उसमें वैधानिक कार्रवाई की होगी वो की जाएगी सर।